हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग पर। तो आज की वीडियो में हल्टर नेक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसकी जो कुर्ती की कटिंग की वीडियो है वो मैंने डाल दी है, जो पिछली वीडियो गई है उसी में मैंने बताया है कि इस तरीके की नेक वाली कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको नेक को हम कैसे बनाते हैं, मेन बात इसमें यही होती है। और कटिंग में इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैंने वीडियो डाल दी है कटिंग पर। तो स्टिचिंग कैसे करनी है आज की वीडियो में वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जो हॉल्टर नेक होता है ये स्टिचिंग करने के बाद इस तरीके से लुक आता है इसका, इस तरीके से। जैसे इसमें जो हम ये बैन लगाते हैं ये इसी के अंदर हमारी अटैच होती है, देखिए इस तरीके से। इसमें हमने अलग से कोई इसमें कॉलर वगैरह नहीं लगानी पड़ती है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है इस तरीके से। और जो है हमारी इसमें नेक में जो कॉलर लगती है वो भी हमारी लग जाती है, और दिखने में भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से ये देखिए, मैंने जो ये मार्जिन है ये मैंने बाहर रख दिया है। ये देखिए, जो ये मार्जिन है ये मैंने बाहर कर दिया है। अगर आप ये मार्जिन अंदर करना चाहते हैं कॉलर के, तो अंदर भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि बाहर ये मार्जिन नजर आ रहा है। तो अगर आप अंदर करना चाहते हैं अंदर भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी वीडियो में। तो मैंने इस पे इंटरलॉक करना था तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही रख दिया है मार्जिन को। और ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये देखिए, ये कुर्ती की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। और इसकी जो कटिंग की वीडियो है वो पिछली वीडियो गई है, उसमें मैंने फुल डिटेल में इसकी कटिंग बताई है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। और एक बार मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ तक तो देखिए जैसे नॉर्मल कुर्ती की हम कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा तीरा होता है और जो हाई नेक हमारे नेक होते हैं उसमें बस शोल्डर हमने बढ़ा के लेना होता है। तो इस तरीके से हम ये कटिंग कर लेंगे। और ये जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने लिया है 4 इंच, ठीक है, 4 इंच इस साइड लिया है और 4 इंच ही हम ये इस साइड लेंगे, ठीक है। अगर आपको नेक छोटा बनाना है तो आप यहाँ पे 3 इंच, 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप ये चीज ध्यान रखिए, बस ये जो बॉक्स हमारा बना हुआ है यही हम इसमें चेंज है, इस कुर्ती में, हल्टर नेक वाली कुर्ती में। बस इसको जो अटैच करना है वो आपने ध्यान से देखना है किस तरीके से हमने इसको रेडी करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने फ्यूज पेपर लिया है इस तरह से और ये चिपकने वाला है, तो इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हमने जो नेक की विड्थ रखनी है वो आप कितनी रख रहे हैं, 2.5 या 3 इंच, तो 3 इंच आप रख लीजिए इसमें। तो 3 इंच पर ये हम मार्क इस तरीके से लगाएंगे। और ये आप जो बॉक्स है उसकी लेंथ आप कितनी रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ रख लीजिए। चौड़ाई में जो हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम बाद में कट कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर सकते हैं तो कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लिया था, ठीक है। तो 4 इंच है, ये देखिए, आप इसको कम भी कर सकते हैं, 3 3.5, जितना भी आपने इसकी जो है डिफरेंस रखनी है रख सकते हैं। तरीके से ये बॉक्स हमने बना लिया है इसमें, ठीक है। आप देखिए, ये जो बॉक्स है इसको हमने लेंथ में नहीं लेना है, जो नेक की हम लेंथ लेंगे वो यहां से लेंगे। तो नेक की जो लेंथ है वो यहां पर मैं 7 इंच रखूंगी, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहां से अब ये 1 इंच पर हम ये मार्क लगाएंगे, तो ये 1 इंच पर हम ये मार्क करेंगे और यहां से ये इस पे हम सेफ दे सकते हैं, कोई भी आप जो आपको पसंद हो वो सेफ आप यहाँ पे दे दीजिए।
इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये मटका सेप इसमें दी है। नेक की जो ये पट्टी है वो कितनी रखेंगे आप, 1.25 इंच या 1 इंच, जितनी आप रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी सेफ कट हो गई है। अब इसको हम कर देंगे कट। तो ये लीजिए इस तरीके से ये हमारी नेक कटिंग हो गई है। अब इसको हमने कपड़े पर पेस्ट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये पेस्ट हमने कर लेना है इस पर अच्छे से। और अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें, इसको भी हम कट कर देंगे। बस 1/2 इंच का कपड़ा हम इसमें रखेंगे। ये देखिए ठीक है। अब इसको हम यहां से देखिए इस पे सिलाई लगाकर इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। जो एक कपड़ा है यहाँ पे कट लगा लेते हैं। हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे, कट लगा लेंगे। और जो नेक है नेक का भी हम सेंटर करेंगे। इस तरीके से बिछाएंगे। और यहां से साइड से इसको फोल्ड करने के बाद ये जो सेंटर है, सेंटर को सेंटर से यहाँ से मिलाकर, और जैसे कि हम नॉर्मल नेक को अटैच करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये सिलाई लगाकर इसको हम अटैच कर लेंगे।